आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसमें सारे फ्लेवर होंगे, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, जो कि है पानी पूरी की रेसिपी। ये हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली बच्चों को। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर उसे ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो आप सबसे पहले देख सके। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। दही मीठी पानी पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से कुछ तैयारी करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने एक प्याज को फाइन चॉप कर लिया है, साथ ही मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया है, उसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू भुजिया लिए हैं और यहाँ पे मैंने आलू मसाला लिया है जो पानी पूरी में पड़ता है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से है, इसका मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा का पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने एक कप दही लिया है, इसमें हमने एक चम्मच चीनी डाल के इसे अच्छे से फेंट लिया है। और यहाँ पे मैंने इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी ली है और ये ग्रीन वाली चटनी। और यहाँ पे मैंने कुछ पूरियाँ ली हैं, तो इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से है, इसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी, अगर आपको देखना हो तो वहाँ से जाकर रेसिपी को देख सकते हैं। तो चलिए पहले पूरियों को हम बीच में इस तरह से तोड़ लेते हैं, तो आप सुन सकते हैं कि पूरियां हमारी कितनी क्रिस्पी बनी हुई हैं। तो ये हमारी घर की बनी हुई हैं, आप इसकी जगह रेडीमेड पूरियां जो मार्केट में मिलती हैं वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 पूरियों को तोड़ लिया है, इसे आपको जितना खाना हो बस उतना ही बनाइएगा, इसे बनाकर रखा नहीं जाता, अगर आप इसे रख देंगे तो इसका मज़ा नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे 9 पूरियों को बना रहे हैं। अब इसमें हम भरेंगे आलू मसाला, तो सारे पूरियों में हम आधा आधा चम्मच आलू मसाला भर देंगे। तो हमने सारी पूरियों के अंदर आलू मसाला को भर लिया है। अब सारे पूरियों में हम इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी डाल देंगे, इसी से हमारे पानी पूरी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे आधा आधा चम्मच डाल रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे हरी वाली चटनी, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ, तो सारी पूरियों में हम डाल देंगे। तो ये देखिए हमने लास्ट वाली भी पूरी में डाल दिया है। अब हम दही डालेंगे, तो एक बार दही को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और सारी पूरियों में हम दही को डाल देंगे। यहाँ पे हम एक एक चम्मच डालेंगे दही। अब इसके ऊपर से कटा हुआ प्याज, तो मैंने प्याज को भी सारी पूरियों में डाल दिया है। तो अब यहाँ पे हम कटे हुए टमाटर डालेंगे, तो ये देखिए हमने टमाटर को भी सारी पूरियों में भर लिया है। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डालिएगा, टमाटर से हमारी पूरियाँ कलरफुल लगेंगी। तब इसके ऊपर से हम आलू भुजिया डाल देते हैं। तो बस हमने सारे पूरियों के अंदर नमकीन को भी भर दिया है। अब इसके ऊपर से हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी। अगेन ऊपर से थोड़ा थोड़ा हम दही इसके ऊपर रख देंगे। अगेन मीठी वाली चटनी, इससे हमारी पूरियाँ कलरफुल दिखेंगी। तो ये रेसिपी जितनी आसान है बनाने में, उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में अच्छी लगती है और ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर से आलू भुजिया फिर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए हमारी मीठी पानी पूरी एकदम तैयार है और ये कितनी कलरफुल दिख रही है। तो इसे आप बनाइए और तुरंत खाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।